हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके साथ कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और हमने इससे पहले 1 से लेकर के 10 और 11 से 20 तक के दो वीडियो हमने देखे हैं ना। उन दो वीडियोस में हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए। और देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। अगर आपने पहली ही बार में जो आपका फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ के अगर आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ये वाला पढ़ने के बाद आपने रिकॉग्नाइज़ किया तो फिर आपको 4 पॉइंट, ये पढ़ने के बाद अगर आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो 2 पॉइंट्स, और लास्ट में है कि अगर आप नहीं पहचान पाए कि क्या चीज़ है ये, तो आप टर्न करिए कार्ड को और देखिए और पिक्चर को पहचानिए। अगर आप पिक्चर को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, यहाँ पे 0 पॉइंट वाला नहीं है। एटलीस्ट आप पिक्चर को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लें इसको। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ इन इंडिया। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ इन इंडिया। क्या आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? इट इज़ अ ब्यूटिफुल वाइट मॉन्यूमेंट। वो ब्यूटिफुल वाइट मॉन्यूमेंट है। इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज इट्स पिक्चर। मुझे लगता है कि ये है ताजमहल। तो मैं अब कार्ड को टर्न करूँगी और देखूँगी कि क्या ये सच में ताजमहल है। और अगर आपको भी लगता है कि ये ताजमहल है तो चलिए कार्ड को देखते हैं। यस, इट्स ताजमहल। तो आपने कब रिकॉग्नाइज़ किया था ये ताजमहल है? आपने जब भी रिकॉग्नाइज़ किया था उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 22। कार्ड नंबर 22 सेज, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। सबसे जल्दी ग्रो होता है ये ट्री। ये ट्री कौन सा ट्री है? इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन। ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल है। इट्स पल्प इज़ यूज्ड टू मेक पेपर। इसका पल्प पेपर बनाने में यूज़ होता है। इफ़ यू नो, हाँ, डू यू नो इट? इफ़ यू डोंट नो इट देन टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज इट्स पिक्चर। आई नो दैट इट्स अ बैम्बू ट्री। नाउ लेट्स टर्न ओवर द कार्ड एंड सी। यस, इट्स अ बैम्बू ट्री। Now card number 23 is there. Let's read what are the statement given to us. A game which has two teams with 11 players each. एक गेम जिसमें कि 11 प्लेयर्स होते हैं दोनों दोनों टीम में। This game uses a bat and a ball. एक बैट और एक बॉल से खेला जाता है ये गेम। ये तो बहुत ही पॉपुलर गेम है। I know it. Runs are scored and wickets are taken. It's a cricket. Turn over the card and see if you can recognize this game. अगर आपने पहचान लिया है, yes, मैंने तो पहचान लिया कि ये क्रिकेट है। आपने इसे कब पहचाना था? पहले स्टेटमेंट में तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट में आपको 4 पॉइंट्स, थर्ड स्टेटमेंट में आपको 2 पॉइंट्स। अगर आप नहीं पहचान पाए और आपने कार्ड देख करके आपने पहचाना, पिक्चर देख करके अगर आपने पहचाना, तो फिर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लेट्स सी क्वेश्चन कार्ड नंबर 24। कार्ड नंबर 24 क्या कह रहा है? इट इज़ अ फेवरेट पेट एनिमल ऑफ मेनी पीपल। ये फेवरेट पेट एनिमल है बहुत सारे लोगों का। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मैन्स बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है इसको। इट्स यंग वंस इट कॉल पपी एंड इट बार्क्स। इट्स अ डॉग। ये एक डॉग है। लेट्स टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज। यस, इट्स अ डॉग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन से
आपके दिमाग की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, आप डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा वाला होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये वीडियोस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लें। 25 नंबर कार्ड। It is a huge hairy animal with small eyes and ears. It is a huge hairy animal. इसका बहुत सारा hairs होता है, इसकी आँखें बहुत छोटी छोटी होती है, कान भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। It both eat plants and other animals and it loves honey. Honey किसे पसंद है? Honey पसंद है bear को, है ना? Its young ones is called cub and it growls. ये तो bear है। Now let's turn over the card and see if we can recognize. Yes, it's a bear. Now let us see card number 26. A medicinal plant whose product help purify blood. कौन सा medicinal plant है जिसका product हमें blood को purify करने में help करता है? And its leaves are very bitter and help to keep insects away. उसके जो लीव्स होते हैं ना वो बहुत कड़वे होते हैं, नीम के लीव्स बहुत कड़वे होते हैं और वो इंसेक्ट्स को भी दूर भगाते हैं, तो ये ज़रूर नीम की बात हो रही है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड टू क्लीन टीथ, और नीम का जो बार्क है उससे टीथ भी क्लीन होती है, और नीम के तो हम दतवन भी बनाते हैं ना उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस लेकर के। लेट्स टर्न ओवर द कार्ड एंड सी, यस इट्स नीम। Now let us see card number 27. A root vegetable which is a rich source of vitamin A. ये एक root vegetable है जिसमें vitamin A बहुत ज़्यादा पाया जाता है। Vitamin A बहुत ज़्यादा पाया जाता है carrot में, और carrot एक root vegetable है। It is red or orange in color. Carrot red और orange color में पाया जाता है ना। It is the favorite food of rabbit. Yes, and carrot is a favorite food of rabbit. Let us turn over the card and see कि हमारा आंसर सही है क्या? बिल्कुल, हमारा आंसर सही है। कार्ड नंबर 28। कार्ड नंबर 28 कहता है a national festival where the president of the India takes the salute. नेशनल फेस्टिवल जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सल्यूट लेते हैं, ये नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। ये जो होता है 26 जनवरी को होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। 26 जनवरी को ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं सब मिल करके। देयर इज़ अ ग्रैंड परेड एट इंडिया गेट न्यू दिल्ली। दिस फेस्टिवल फॉल्स ऑन 26 जनवरी। नाउ लेट्स टर्न ओवर द कार्ड एंड see if we can recognize. It's about Republic Day. Now let us see card number 29, the second last card for today's video. He is the person who introduced Satyagraha. Satyagraha किसने introduce किया था? And he was born on 2nd October. His samadhi is at Rajghat, New Delhi. And he is also known as the father of our India. ये है महात्मा गांधी। ये कौन है? ये है महात्मा गांधी। Let's turn over the card and see if we can recognize him. Yes, he is Mahatma Gandhi, father of our India, father of our country. And insect card number 30. Yeah? An insect whose sting is very painful. It sips nectar from flowers. It lives in a hive and makes honey. Honey कौन बनाता है? Honey बनाता है honey bee. चलिए देखते हैं। Let's turn over the card and see. It's honey bee. Honey bee. तो हमने आज सारे cards complete कर लिए हैं, है ना? और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कार्ड नंबर 31 to 40, और वो होगा हमारा लास्ट वीडियो ब्रेनस्टॉर्मिंग का। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं है, ये तो आपका भी अपना चैनल है। और अगर आप कुछ और वीडियोस चाहते हैं, मज़ेदार वीडियोस चाहते हैं पढ़ने के लिए, मैथ सीखने के लिए, साइंस सीखने के लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करेंगे आप, इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, है ना, और उन्हें भी बताएंगे कि हमारे पास एक बहुत सुंदर सुंदर वीडियो शेयर करने वाली मैम है जिनका चैनल है, और वो सारे भी देखेंगे और सब बेनिफिटेड होंगे। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड लव यू ऑल।